नमस्कार, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। क्रिकेट की किताब का ये वो महीना है जिसे अगर आप 6 साल पीछे पलटेंगे तो आंखों में सिर्फ आंसू होंगे। 16 नवंबर 2013 मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट मैदान। शायद ही कोई ऐसा भारतीय क्रिकेट प्रेमी होगा जिसकी यादों में वो दिन नहीं होगा। वजह थी कि उस दिन क्रिकेट के एक युग का अंत हो रहा था। क्रिकेट का भगवान अपना साम्राज्य छोड़कर विदाई ले रहा था। सबकी आंखें नम थी और पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सचिन सचिन। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी हम क्रिकेट के मैदान पर वो स्ट्रेट ड्राइव मिस करते हैं जिसे देखने भर से एक अलग ही सुकून मिलता था। ऐसी कितनी घटनाएं सचिन से जुड़ी हुई हैं जिन्हें फैंस अब मिस करते हैं। सचिन की वो आखिरी पारी आज भी फैंस अगर टीवी पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये यूं ही जारी रहे। सचिन की वो नम आंखों वाली तस्वीर भावुक कर देने वाली है जो आखिरी टेस्ट के बाद सभी फैंस को देखने को मिली थी। अब उसी तस्वीर के जरिए सचिन ने एक बेहद ज़रूरी मैसेज दिया है। इंटरनेशनल मैच डे के इस हफ्ते में सचिन ने एक ऐसा पोस्ट लिखा है जो हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। सचिन ने यह पोस्ट वर्तमान और भविष्य के पुरुषों के नाम लिखा है और उन्होंने इसमें इतनी ज़रूरी बातें की हैं कि हम उसे हूबहू आपको बताना चाहते हैं। सचिन ने लिखा है, आप पति और पिता, भाई और दोस्त, मेंटर और शिक्षक बनने वाले होंगे। आप लोगों के लिए उदाहरण बनेंगे। आप हिम्मती और मजबूत बनेंगे, बहादुर और उदार, और आप डर, दुविधा और मुश्किलों का भी सामना करेंगे। बेशक आपके सामने वो वक्त आएगा जब आप फेल होंगे और आपको रोते हुए सब कुछ छोड़ देने का मन होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप अपने आंसुओं को रोककर टफ होना चाहेंगे, क्योंकि पुरुष तो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि हमें ये महसूस कराया गया है कि पुरुषों से रोने की उम्मीद नहीं की जाती, रोना पुरुष को कमज़ोर बनाता है। मैं इस पर विश्वास करते हुए ही बड़ा हुआ और मैं आज ये सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मेरे संघर्ष और मेरे दर्द ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। तारीख 16 नवंबर 2013, मैं आज भी उस दिन को याद करता हूँ। मैंने इसके बारे में लंबे समय तक सोचा, लेकिन पवेलियन तक जाने के आखिरी सफ़र के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। हर एक कदम पर दिल डूबने लगता था। सब कुछ समाप्त होने का डर मेरे गले में अटक गया था। उस वक्त मेरे सिर में बहुत कुछ चल रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। उससे लड़ा नहीं, मैंने उसे दुनिया के सामने जाने दिया। मुझे अद्भुत शांति महसूस हुई। यह आश्चर्यजनक था। मुझे उस वक्त ताकत महसूस हुई। मैंने जो कुछ हासिल किया उसके लिए शुक्रिया कहा। तब मुझे पुरुष होने का एहसास मिला। रोने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ आपको अंदर से मजबूत बनाती है उस हिस्से को दुनिया को दिखाने में क्या दिक्कत है? अपने आंसुओं को क्यों छिपाया जाए? अपना दर्द जाहिर करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस बात के प्रति आश्वस्त रहें कि आप नई सुबह की तरह बेहतर और मजबूत होकर निकलेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस रूढ़ी को तोड़िए कि पुरुष क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप जो कोई हों, जहाँ कहीं हों, मैं आपको यह हिम्मत हासिल करने की शुभकामनाएं देता हूँ। सचिन का ये पोस्ट हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जिसे लगता है कि रोना सिर्फ औरतों का काम है। उन्हें यह मानना चाहिए कि भावुकता बेहद ही प्यारी चीज़ है और रोने या ना रोने से कोई कमज़ोर और मजबूत नहीं हो जाता, बल्कि रोने से ये पता चलता है कि आप कितने प्यारे और संवेदनशील इंसान हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप Facebook पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मैं हूँ विपिन और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रूहानी।